नमस्कार, मैं मुकेश सर, टीओ स्टेनो हिंदी सिंबोसिस आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्टेनो। स्टेनो को आशुलिपि, शॉर्ट हैंड, शीघ्र लेखन और संकेत लिपि के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनो के कुछ नियम होते हैं, जैसे नियम नंबर एक, सभी रेखाएं आपस में समान लंबाई की बने, यानी सभी रेखाओं की लंबाई आपस में समान लंबाई की हो, भले ही वो कोई सी भी व्यंजन रेखा हो। अगला नियम है, सभी रेखाओं की लंबाई लगभग 0.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी सभी रेखाओं की लंबाई लगभग 0.8 सेंटीमीटर हो, कोई रेखा छोटी बड़ी ना हो। नियम नंबर तीन, सभी रेखाएं कंपन रहित बने। कंपन का मतलब होता है कि सभी रेखाएं सीधी बने, कोई भी रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। अगर वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। जो स्वर हैं वो अपन मात्रा के साथ आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का वर्ग से स्टार्ट होती है। वर्ग का मतलब होता है का की पूरी लाइन, या समूह भी बोल सकते हैं, यानी का वर्ग यानी का की पूरी लाइन, का से घा तक। चलिए स्टार्ट करें, पढ़ते हैं का। का वर्ग, जो का वर्ग है उसको अपन लाइन पर बनाते हैं। ये अपनी कॉपी की लाइन हो गई, तो ये इसकी दिशा होती है, लाइन भी बनेगी। ये तीर का चिन्ह डायरेक्शन एंड दिशा दर्शा रहा है, तो यानी बिल्कुल सीधी बनाना है। का बीच में थोड़ा कट करेंगे, खा हो जाएगी। का खा, ये दोनों लाइट बनेंगे। अब बात करते हैं गा और घा की। जो गा और घा है वो दोनों डार्क बनते हैं। गा घा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। का खा को बनाने के लिए पेन को हल्के हाथ से पकड़ना, और गा और घा को बनाने के लिए पेन को तेज हाथों से पकड़ना है, दबा देना थोड़ा पेन को, अपने आप डार्क हो जाएगी। गा कट करेंगे, घा बन गया। अब पढ़ते हैं चा वर्ग। इसके लिए भी लाइन बनाएंगे अपन। जो चा वर्ग है अपना ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे, और कोई भी वर्ड लाइन के बाहर ना निकले, यानी लाइन भी खत्म करना है अपने को। चा को लेफ्ट हैंड पे, यानी बाई ओर, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड, हिंदी में बाई ओर। चा कट करेंगे, छा बन गया। ये दोनों लाइट, यानी स्टार्टिंग के दो वर्ड लाइट बनेंगे और बाद के दो वर्ड डार्क बनेंगे, यही प्रोसेस आगे तक चलेगी। जा झा, ये दोनों डार्क बनेंगे। अब बात करते हैं पा वर्ग की। इसके लिए भी लाइन। पा वर्ग, चा वर्ग और पा वर्ग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर चा को अपन लेफ्ट हैंड पे झुका रहे हैं तो पा को अपन राइट हैंड पे झुकाएंगे। देखिए कैसे, ये राइट हैंड पे अपने पावर झुका दिया, लाइन से बाहर नहीं निकालना है, बस इतना ध्यान रखना। पा कट करेंगे, था बन जाएगा। ये दोनों लाइट, आगे के दो वर्ड डार्क बनेंगे, इसको कट करेंगे। वा वा, ये दोनों डार्क। अब पढ़ते हैं टा वर्ग। टा वर्ग, ये अपनी कॉपी की लाइन हो गई। टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग बिल्कुल सीधा बनेगा ऊपर से नीचे की। सीधा मतलब जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी टाइप का, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा बनता है, इसलिए ये भी सीधा बनेगा। जी इसकी दिशा है, तीर लगा यानी डायरेक्शन है,
ठा, ये दोनों लाइट। आगे की दो और पेन को दबा के पकड़ना है, इसलिए डार्क बन जाएगी। डा और ढा, ये कट जाएगा अपना, ये दोनों डार्क। अब पढ़ते अपन वक्र रेखाएं। जो वक्र रेखाएं होती हैं वो घुमावदार होती हैं। घुमावदार होने के कारण इनको वक्र रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम घुमावदार रेखाएं। घुमावदार रेखाएं, घुमावदार रेखाओं में कौन कौन सी रेखाएं आती हैं? ता वर्ग, जो ता वर्ग है अपना, ये भी लाइन भी बनेगा। घुमावदार बनाना है इसको, ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा बिल्कुल समान दिशा में होना चाहिए। और ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे इसको, दोनों साइड से बना सकते हैं, ये दोनों इसकी दिशाएं हैं। अब बनाते हैं ता, ता कट करेंगे थोड़ा था, ये दोनों लाइट बनेंगे। दा डार्क बनेगा और धा डार्क बनेगा, कट करेगा थोड़ा। दा धा, ये दोनों डार्क बनेंगे। अब बात करें ना, यहां से अपन ये ध्यान रखेंगे कि का वर्ग से ता वर्ग तक जो रेखा है वो लाइट डार्क में चलती है, मगर ना वर्णमाला में ना व्यंजन ओनली सिंगल होता है, इसलिए इसको लाइट डार्क कैसा ही बना सकते हैं। ये ना की दिशा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे इसको, ना बन गया। बात करें मा, ना के जस्ट अपोजिट मा बनता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये मा की दिशा है, मा बन गया। स्टार्ट करते हैं ला। देखो ला कैसे बनाते हैं, ये कॉपी की लाइन है। ला दो प्रकार से बनता है, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। यानी बात करें हिंदी में तो एक अधोगामी, एक ऊर्ध्वगामी। अधोगामी नीचे से ऊपर, ऊर्ध्वगामी ऊपर से नीचे, ऐसा समझ लो। ये नीचे से ऊपर बनेगा। घुमावदार रेखा तो पेन लाइन पर रख के ऐसे घुमाना है, ये इसकी दिशा हो गई। तो ला कैसे बनाएंगे, ये ला बन गया। एक ला ऊपर से नीचे की ओर बनता है, कैसे बनाएंगे इसको देखो। यहां पे हम रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ये इसकी दिशा है, तो ये ला बन गया। क्लियर? कैसे भी बना लो ऊपर नीचे बनते एक से ही है दोनों। बात करें सा, सा सलगम, षटकोण, सपेरा। इष्टानु में तीनों सा एक जैसे होते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में तीनों अलग अलग होते हैं, मगर इष्टानुम तीनों सा एक से होते हैं। अगर इनकी हिंदी की जाए तो हिंदी में अलग अलग लिखेंगे, इष्टानुम में बिल्कुल एक जैसा लिखते हैं। सा को बनाते कैसे हैं देखो, यहां पे पेन रखेंगे और लाइन पे खत्म करना है घुमा के ऐसे, ये इसकी दिशा हो गई, सा बन गया। सा को एक और प्रकार से बना सकते हैं ऐसे, ये इसकी दिशा है, सा बन गया। देखते हैं रा, अगर रा रेखा की बात की जाए, जो अपना रा है, रा को नीचे से ऊपर की ओर झुका हुआ बनाएंगे, ये इसकी दिशा हो गई, तो ये रा बन गया। इसको एक और प्रकार से बना सकते हैं, घुमावदार रेखा यानी वक्र रेखाओं में। वक्र रेखाओं में रा को कैसे बनाएंगे, यहां पे पेन रखेंगे ऐसे बनाना है, जी रा की दिशा है, रा बन गया। ज्यादातर इसी रा का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको रा बताया था कि रा कैसे बनता है, रा नीचे से ऊपर की ओर, यानी डायरेक्शन है तो रा इसी दिशा में जाएगा झुका हुआ। अगर हा की बात करें, हा जो रा की दिशा है वही अपनी हा की दिशा होगी, हा बन गया। कुछ नहीं करना है, रा सीधा है, बस हा में थोड़ा गोल करके घुमाना है। या की बात करें, जो रा की दिशा है वही या की दिशा होगी, वाह ऐसे बनेगा।
इनमें ये ध्यान रखना है कि जो या और वा हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। बात करें छा, छा से छत्री है। मैंने आपको छा छाता पढ़ाया था, छा वर्ग में छा और छा दोनों का साउंड एक जैसा है, इसीलिए दोनों छा एक जैसे बनते हैं। लाइन है ऊपर से नीचे की ओर कट करके, चाहे छत्री वाला हो चाहे छाता वाला हो, दोनों एक जैसे बनेंगे। बात करें त्रा त्रिशूल की, त्रा त्रिशूल ता प्लस रा से मिलकर बनना है, त्रा ता रा। तो इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे ता बनाया था, पेन उठाना नहीं है, पेन जब पूरा वर्ड बन जाए तब उठेगी, ता बना के इसे रा जोड़ना है, त्रा हो गया। बात करें ज्ञानी की, जो अपना ज्ञानी है गा प्लस या, गा या ग्या, यानी ये भी दो भागों में टूट रहा है। तो पहले गा बनाएंगे, गा बनाया थोड़ा लौट के पीछे को बैक आएंगे और यहां से ऐसे घुमा देंगे, ग्या बन गया। अब पढ़ते हैं डा और ढा। हालांकि मैंने आपको डा और ढा पढ़ा दिए हैं, मगर इनके नीचे डा और ढा में बिंदी आती है, यानी इनको द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जो अपने वर्ड होते हैं लड़ाई पढ़ाई, इन वर्डों में इन वर्डों का यूज होता है। देखिए बनते कैसे हैं, इस डा के लिए मैंने आपको रा बताया था, ये रा है, तो कुछ नहीं करना, रा को बना के बीच में थोड़ा कट करना है, डा पढ़ेंगे। और इस ढा के लिए हा बनाना और रा को बीच में कट कर देना, ढा पढ़ेंगे। मैंने ना आपको बताया था ये ना की दशा होती है, ना ऐसे बन जाएगा। अगर ना की बात करें तो ना अड़ा या अंगा, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों को नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं। नासिक के व्यंजन ना, तो नासिक व्यंजन सारे एक जैसे बनते हैं, जैसे ना बना रहे हैं वैसे अपन या अंगा अड़ा तीनों एक जैसे बनते हैं। तो अड़ा को देखें अपन, तो जैसे ना बना वैसे अड़ा बनता है, और अंगा और या ये दो वर्ड स्टेनो में कभी यूज नहीं होते हैं, अगर बाई चांस अगर ये वर्ड आते हैं तो इसलिए आप इन दोनों को भी ना जैसा ही बनाएंगे। हमने आज की वीडियो में स्टेनो की वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है वो है रेखाओं को मिलाना, उसको हम इसी के जस्ट आगे पढ़ाएंगे। बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक ध्यान से देखा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।